हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर ओपन कैसे करेंगे, तो आपको कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है और फिर टाइप करना है कैलकुलेटर, CALCU। जैसे ही हमने इतना ही टाइप किया तो यहाँ देखिए आप कि कैलकुलेटर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ आपको विंडोज़ 8 है हमारे इस कंप्यूटर में, तो यहाँ पर आपको दो कैलकुलेटर मिलेगा। यहाँ कैलकुलेटर है और नीचे भी आपका कैलकुलेटर है। यही आप यदि विंडोज़ 7 में करते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऊपर वाला जो कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है ऐसा ही केवल वहाँ मिलेगा। तो यहाँ हम दोनों कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। पहले हम ये जो सिंपल सा कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ छोटा सा इस तरह का कैलकुलेटर दिखाई देगा। हो सकता है आप जब खोलें इसे तो आपको ये दूसरे वाले पर, जब दूसरे ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो ऐसा भी खुल सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, जो व्यू मेन्यू है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका क्या सेलेक्ट होना चाहिए नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए, स्टैंडर्ड। यहाँ हम स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया। और नीचे ध्यान देंगे, यहाँ हमारा बेसिक पर क्लिक होना चाहिए। दो हमारा देखिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड और ये बेसिक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा जोड़ घटाओ गुना भाग। हमारा जो कीबोर्ड होता है जिधर नंबर होता है उस साइड में आपका एंटर के जस्ट ऊपर प्लस होता है जोड़ने के लिए, फिर उसके ऊपर माइनस और उससे पहले मल्टीप्लाई और उससे पहले डिविजन, यानी जोड़ घटाओ गुना भाग। इतना काम हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमें जोड़ना हो, मान लीजिए हमें जोड़ना हो 5 जोड़ 2 कितना होता हो, ये हमें कीबोर्ड से करना हो तो हम नंबर साइड से ही, या जो आपका इधर अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर होता है उधर से भी आप नंबर टाइप करेंगे। जैसे 5 प्रेस करा हमने तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया। और फिर हमें जोड़ना है तो जस्ट एंटर से पहले आपका न्यूमेरिक कीपैड साइड में प्लस है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और फिर 2। यहाँ आपका रिजल्ट दिखा दे उसके लिए हम कीबोर्ड से करते हैं एंटर, तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर आपको दिखा दिया। हम चाह रहे हैं ये जो 7 यहाँ पर लिखा आ गया ये हमारा खाली हो जाए, यहाँ पर फिर से 0 हो जाए। उसके लिए आपको कीबोर्ड से करना होता है एस्केप। हम यहाँ एस्केप प्रेस कर देते हैं, देखिए ये खाली हो गया। अभी हमें इसी तरह से घटाव करना होगा कीबोर्ड से। हम यहाँ करते हैं 10, जैसे 10 माइनस हमें करना है 3, तो माइनस कर देते हैं कीबोर्ड से ही और फिर 3 कर देते हैं। कीबोर्ड से हम एंटर करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जा रहा है 7। इस तरह फिर से हमें इसे ब्लैंक करना हो तो हम कीबोर्ड से करते हैं एस्केप। हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 × 2 तो यहाँ पर करेंगे 5। मल्टीप्लाई के लिए आपका स्टार जो सिंबल बना है माइनस से पहले उस पर क्लिक करना है, एंटर कर मतलब दबाना है उसे आपको, और फिर जो 2 है 2 और फिर कीबोर्ड से कर देते हैं एंटर, तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया। फिर से इसे हमें खाली करना है, फिर से हम इसे स्केप कर देते हैं। अभी हमें भाग देना है 10 में 2 से, तो 10 लिखते हैं और मल्टीप्लाई से जो पहले सिंबल है वही है आपका भाग का, भाग करेंगे और फिर 2 करते हैं, फिर से एंटर करते हैं तो यहाँ पे 5 दिखा रहा है, फिर हम इसे स्किप कर देते हैं। जो काम हमने अभी कीबोर्ड से किया वो काम हम यहाँ से बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको माउस का यूज़ करना होगा। जैसे अभी हमें 20+30 करना हो तो यहाँ देखिए 20 हमने यहाँ पर माउस से क्लिक किया और यहाँ प्लस लिखा है, हम प्लस पर क्लिक करेंगे और 30 ऐड करना है इसमें, तो 30। अब यहाँ बराबर लिखा है, आप यहाँ बराबर पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। अभी हमें इसे क्लियर करना हो तो हम कीबोर्ड से स्किप करते हैं, या आप यहाँ सी क्लियर, ये यहाँ क्लियर हो गया। जैसे अभी हमें वर्गमूल निकालना हो तो कीबोर्ड पर आपका वर्गमूल का सिंबल नहीं होता है। उसके लिए आपको, जैसे हमें अभी 25 का वर्गमूल निकालना है तो हम यहाँ 25 करते हैं और फिर यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पर वर्गमूल का यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो √25 = 5, यानी 25 का वर्गमूल आपका 5 यहाँ पर शो कर रहा है। फिर से हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम दूसरे कैलकुलेटर में इसी में देखते हैं, हमारा जो दूसरा इसका हिस्सा है, व्यू मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर हम साइंटिफिक पर क्लिक करते हैं। इसमें हमारा कैलकुलेटर किस तरह का दिखाई देता है, तो देखिए आपका यहाँ पर साइंटिफिक में कुछ साइन कॉस टेन ये सब का भी आप यहाँ पर मान जान सकते हैं। जैसे आपको क्यूब रूट निकालना हो या किसी का क्यूब करना हो तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
जैसे अभी हमें साइन 90 डिग्री का मान जानना हो, हम यहाँ से 9 जीरो कर देते हैं और फिर यहाँ साइन पर क्लिक कर देते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसे हम क्लियर कर देते हैं। अभी हमें 125 का जानना हो घनमूल कितना होता है, तो 125 और यहाँ जो क्यूब रूट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से क्यूब रूट देखिए 5 आ रहा है इसका। तो इस तरह से हमने अभी व्यू मेन्यू में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया। अब हम चलते हैं यहाँ प्रोग्रामर, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो हमने पहले बेसिक में पढ़ा था कि डेसिमल से बाइनरी बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। तो अभी हमें जैसे करना हो 20 को 2020 इसे हमें बाइनरी में बदलना हो तो यहाँ देखिए हमने डेसिमल में अभी टाइप किया हुआ है, यहाँ नीचे बाइनरी है इस पर BIN जो लिखा आपका, यहाँ बिन पर आप क्लिक कर दीजिए BIN बाइनरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ देखिए आपका कन्वर्ट होकर बाइनरी में ये दिखा देगा। फिर यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। अब हम यदि नंबर कोई टाइप करते हैं 0 और 1 को छोड़कर तो देखिए यहाँ से टाइप नहीं होगा, ये एक्टिव ही नहीं है आपका, केवल 1 और 0 ये दोनों ही आपका एक्टिव है। तो आखिर हम नंबर लिख कैसे पाएंगे, उसके लिए आपको फिर से यहाँ डेसिमल पर क्लिक करना है तब आपका ये सारा नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप यहाँ से नंबर टाइप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ व्यू मेन्यू में नीचे यूनिट कन्वर्जन, जैसे हमें किसी चीज़ को बदलना हो कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है या 1 फीट में कितना इंच होता है ये हमें जानना हो तो बिना गूगल हेल्प के हम कैलकुलेटर से यह चीज़ जान सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ व्यू मेन्यू में स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देते हैं, एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर आ गया। फिर व्यू मेन्यू में आएंगे और यहाँ नीचे यूनिट कन्वर्जन लिखा, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ साइड में देखिए ऑप्शन खुलकर आएगा, यहाँ लिखा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ यूनिट यू वांट टू कन्वर्ट। जैसे अभी हमें सबसे पहले करना है फीट को इंच में बदलना है, तो फीट क्या होता है किसी का दूरी मापने का इकाई है यानी लेंथ, हम यहाँ एंगल की जगह पर लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ जो फ्रॉम है फ्रॉम में एंटर वैल्यू देना है, उससे पहले हमें यहाँ एंगस्ट्रम लिखा, यहाँ पर हमें क्या करना है फीट को करना है इंच में कन्वर्ट तो हम यहाँ फीट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर 2 में हम यहाँ इंच सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप फ्रॉम में लिखिए 1, हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं 1, तो देखिए 1 फीट में कितना इंच होता है 12 इंच होता है, आपको इस तरह से यह दिखाई दे रहा है। इसे हम फिर से व्यू मेन्यू में जाकर यहाँ से बेसिक कर देते हैं तो फिर ये नॉर्मल सा इस तरह से खुलकर आ जाएगा। इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फिर हम दूसरा कैलकुलेटर देखते हैं ये कैसे खुलता है या किस तरह का दिखाई देता है या कैसे वर्क करता है। उसके लिए हम विंडो बटन प्रेस करते हैं CALCU, इतना ही लिखने से हमारा ये दूसरा कैलकुलेटर भी दिखाई दे रहा है, हम यहाँ दूसरे वाले कैलकुलेटर पर क्लिक कर देते हैं। दूसरा वाला कैलकुलेटर आपको इस तरह से पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी, यहाँ सबसे पहले खुलकर आता है स्टैंडर्ड जो है आपका कैलकुलेटर, यहाँ पर हमने जो उधर यूज़ किया था वही चीज़ आपका यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जैसे हमें जोड़ना हो तो यहाँ हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे हमें 10+5 करना हो तो 10 हमने कीबोर्ड से लिखा और प्लस करा 5 करा और फिर एंटर कर दिया तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया। हमें इसे क्लियर करना हो तो हम यहाँ कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं, यह काम हम माउस से भी कर सकते हैं, जैसे 8 × 6 करना हो यहाँ बराबर कर देंगे तो 48 हो जाएगा, क्लियर करना हो तो यहाँ से हम 6 कर देते हैं। इसी तरह से ऊपर स्टैंडर्ड के जस्ट साइड में लिखा है साइंटिफिक, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जो आपका वहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो सब चीज़ यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है। फिर हम यहाँ कन्वर्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी अपेक्षा थोड़ा यहाँ अलग दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर हम वॉल्यूम है लिखा हुआ, वॉल्यूम की जगह पर हम यहाँ वेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमें जानना हो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है तो उसके लिए हमें वेट सेलेक्ट करना था, पाउंड्स की जगह पर हम यहाँ किलोग्राम सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ हम ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो देखिए आपका 1000 यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, नीचे आपका देखिए और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने ये भी कैलकुलेटर देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें एवं लाइक करें। थैंक यू।